नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका काकोली डकैती कांड के भाग 3 में। आपका हमारे YouTube चैनल फ्रॉम द एज ऑफ राजेश कोहली को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और शेयर भी करें। रोशन सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के नवादा ग्राम में हुआ। नवादा ठाकुरों का गाँव था। उस गांव के निवासी डाका डालने में प्रवीण थे। रोशन सिंह भी सुप्रसिद्ध डाकू के रूप में जाने जाते थे। क्रांतिकारियों में केवल राम प्रसाद बिस्मिल ही डाका डालने की कला में निपुण थे। क्रांतिकारियों ने सोचा कि यदि सफलतापूर्वक डाका डालना है तो क्रांतिकारी दल में कुछ ऐसे लोगों को सम्मिलित करना होगा जो पेशेवर डाकू हैं और डाका डालने की कला में दक्ष हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा पाकर रोशन सिंह क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी रोशन सिंह जी ने भाग लिया। वह इस आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल भी गए, पर जेल में असहयोग राजनीतिक कैदियों को चुपचाप अत्याचार सहन करते देख उन्हें निराशा हुई। रोशन सिंह जी के मन में इसी प्रतिक्रिया में उन्हें बिस्मिल जी की बात मानने को विवश किया और वो क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। बिस्मिल जी की इच्छा अनुसार ही रोशन सिंह काकोरी ट्रेन डकैती में भाग लिया। भेद खुल जाने पर दूसरे क्रांतिकारियों के साथ रोशन सिंह जी को भी बंदी बनाया गया। मुकदमे के प्रथम फैसले में जिन 3 क्रांतिकारियों का को फांसी का दंड दिया गया था उसमें रोशन सिंह भी थे। इलाहाबाद की जिला जेल में रोशन सिंह जी को 8 महीने तक फांसी घर में रखा गया। पूरे 240 दिनों के पश्चात 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। फांसी से 6 दिन पूर्व 13 दिसंबर को उन्होंने अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा। वो पत्र इस प्रकार है, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको मोहब्बत का बदला दे। आप मेरे लिए हरगिज़ रंज न करें। मेरी मौत खुशी की बाइस होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना ज़रूर है। दुनिया में बद फेल करके मनुष्य अपने को बदनाम न करे और मरते वक्त ईश्वर की याद रहे। यही 2 बातें होनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। और 2 साल से मैं बाल बच्चों से अलग हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला, इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी न रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की ज़िंदगी के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की होती है। जिंदगी जिंदा दिली की जान है रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। आखिरी नमस्ते आपका रोशन। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अलविदा मित्रों, पुनः मिलने के साथ।